मैं प्रभात कुमार सीजीटी मैथ। आज आपको हीरो फार्मूला के सेकंड पार्ट के बारे में बताऊंगा। पहले हमने आपको एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, आज उससे आगे बढ़ेंगे। हम सभी को ध्यान देना है कि जो हमने आपको पहले निर्देश दिए हैं कि किस प्रकार से आपके फर्स्ट सेमेस्टर में क्वेश्चन आएंगे, उस पर ध्यान देते हुए हमें अपनी तैयारी करनी है। और जो चैप्टर आ रहे हैं उन्हीं चैप्टर पर पहले हमें से ध्यान देना है, बाकी चैप्टर हैं उन पर ध्यान नहीं अभी नहीं देना है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपके कुछ चैप्टर आ रहे हैं उनको हमने उनका PDF आपको भेज दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, पहले रीड करता हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB 3 cm, BC 4 cm, CD 4 cm, DA 5 cm एंड AC 5 cm। तो हाउ कैन यू फाइंड आउट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। फर्स्ट बता दी डायग्राम। एक रफली डायग्राम बना लेते हैं पहले। AB C और D। नाउ ज्वाइन A टू C इस प्रकार से हमें दो ट्राइंगल बनते हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADC। अब इसका मेजरमेंट है उसको रखते हैं हम 4 cm, 4 cm, 3 cm, 5 cm। दानव आपको दिया 5 cm। तो ये आपका पहला ट्राइंगल है, ये सेकंड ट्राइंगल है। दोनों के एरिया निकालने के पश्चात हम उसको सम कर देते हैं तो बी गेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC A इक्वल टू यू आर गिवेन 5 cm, B इक्वल टू 4 cm, C इक्वल टू 3 cm। सेमी पेरीमीटर विद नोट S, A+B+C/2, 5+3+4/2, 12/2 इक्वल टू 6 cm। हम जरूर नहीं कि जो हमने A=5 माना है आप किसी को भी ये मान सकते हैं, किसी भी मान सकती है। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल अंडर रूट, थोड़ा नीचे को ले लेते हैं, S S-A, S-B, S-C। S आपको दिया है 6 6-5, 6-4, 6-3। नाउ वी गेट 6 × 1 × 2 × 3। इसके फैक्टर कर लेते 3 × 2, 1 को रखने की आवश्यकता नहीं है आपके लिए। तो प्रत्येक के पैर बन जाते हैं, 3 का पैर बन जाता है और 2 का पैर बन जाता है। इस प्रकार से एरिया के तहत आपका 6 cm इस पर आता है। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC A=5 cm, B=5 cm, C=4 cm।
सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, फाइव प्लस फाइव प्लस फोर, बी गेट सेवन सी एम। एरे ट्राइंगल ए डी सी एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। सेवन सेवन माइनस फाइव, सेवन माइनस फाइव, सेवन माइनस फोर। सेवन इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री। तो हम देखते टू तो टू के पैर बनता है और किसी के पैर नहीं बनता, तो टू रूट ट्वेंटी वन सी एम स्क्वायर आपको एरिया। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। सिक्स प्लस टू रूट ट्वेंटी वन सी एम स्क्वायर, इसको ऐसे छोड़ देंगे, चाहे तो 21 का रूट से बाहर निकाल लें और 2 से मल्टीप्लाई करने पर शब्द ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फोर का। थ्री बाद में कराएंगे, पहले फोर कराते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपको आ चुका है। ए ट्राइंगल एंड पैरोग्राम हैव द सेम बेस एंड सेम एरिया। इफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल आर 26 cm, 28 cm, 30 cm एंड द पैरोग्राम स्टैंड ऑन द बेस 28 cm, फाइंड द हाइट ऑफ द पैरोग्राम। फर्स्ट वी ड्रा द डायग्राम। एक पैरोग्राम आपका ए बी सी और डी, एक ट्राइंगल आपका ए बी ई। यू आर गिवन द साइड 28 cm इज द साइड ऑफ द पैरोग्राम एंड द ट्राइंगल। दिस इज 26 cm और दिस इज 30 cm। कंसेप्ट में क्या है कि द एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल द एरिया ऑफ पैरोग्राम, तो हाउ कैन यू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द पैरोग्राम। फर्स्ट यू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ए ई बी ए 30 सी एम, बी 28 सी एम, सी 26 सी एम। हम क्या करते हैं कि सबसे बड़ी साइड को ए मानते हैं, उससे छोटी को बी, उससे छोटी को सी। आप चाहें तो किसी को आगे पीछे कर सकते हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब आई हम निकालते हैं इसके सेमी पैरीमीटर। ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, थर्टी प्लस ट्वेंटी एट ट्वेंटी सिक्स अपॉन टू। आफ्टर बी एडिंग एंड डिवाइडिंग बी गेट 84 अपॉन टू, 42 सी एम। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई बी एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी।
42 माइनस 30, 42 माइनस 28, 42 माइनस 26, 42, 12, 14 into 16, ये आपका बचेगा आपका 616। इसे फैक्टर करते हैं हम, फोर्टीन टू थ्री कर सकते हैं, फोर्टीन को सेवन देते हैं, इसको फोर इंटू फोर कर लेते हैं। पहला फोर्टीन का पेयर बन जाता है आपका, थ्री का पेयर बन जाता है, फोर का बन जाता है, बचता आपका फोर, और फोर का स्क्वायर रूट कितना आएगा, पर टू आएगा। इस प्रकार से बी के एट एट टू सिक्सटीन, एट फोर थर्टी टू, थर्टी थ्री सी एम स्क्वायर। तो ये आपको आता है 336 सी एम स्क्वायर। बी आर गिवेन, एरिया ऑफ पैरोग्राम, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरोग्राम बेस इंटू हाइट इसका टू 336, बेस दिया 28 आपके लिए, हाइट एच मान लेते हैं 336 को कर दिया, तो एच का टू आपको जाएगा 336 अपॉन 28, 47 28, 4 32 और 4 16, 7 में जो 7, 7 2 14, इस प्रकार से 12 सीएम तुम्हारा आ जाता है। इस प्रकार से बी गेट दी हाइट ऑफ दी पैराग्राम 12 सीएम। अब आई क्वेश्चन नंबर फोर को देखते हैं। ए रोम्बस शेप फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 कार टू ग्रेज, इफ द साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर एंड इट डाउनवर्ड डायगोनल 48 मीटर, हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच कैन गेट बी गेटिंग। इनकी एक आपका रोम्बस टाइप फील्ड है और उसमें 18 कार ग्रेज कर रही हैं, तो हाउ कैन यू फाइंड आउट ईच काउ हाउ मनी स्क्वायर मीटर एरिया टू ग्रेज। एक रोम्बस बनाते हैं, तो द प्रॉपर्टी रोम्बस ऑल साइड आर इक्वल एट डायगोनल ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। यह आपका रोम्बस है, इसकी प्रत्येक साइड आपको 30 मीटर। नाउ जॉइन दी वन डायंगल ए सी, यू आर गिवन दी वन डायंगल 48 मीटर। फर्स्ट यू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल, वी नो दैट दी द डायंगल ऑफ दी रोम्बस डिवाइड दी रोम्बस इन द टू इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल। इनके आपका रोम्बस का डायगोनल होता है या पैरोग्राम का डायगोनल होता है, वो उसके लिए टू इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल बांटता है। नाउ फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, पहले सेम पॉइंट निकालते हैं, एज का डू आपका 48 cm, B is equal to C
30 मीटर, ये मीटर में डायमेंशन है आपकी, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, 48, 30 प्लस 30 अपॉन टू, बी गेट 108 अपॉन टू, 54 मीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस 54, 54 माइनस 48, 54 माइनस 30, 54 माइनस 30। सिक्स इंटू 24 और 24, और 24 का पेयर ऑलरेडी बना हुआ है, केयर्स की फैक्टर कर लेते हैं, 3 × 3 × 6, 9 × 3 = 9, 9 × 6 = 54 × 6 = 24 × 24। तो हम देखते हैं सभी के पेयर बन जाते हैं आपके, cm मीटर्स पर आपका एरिया आता है। नाउ एरिया ऑफ रोम्बस, इसका टू टाइम्स कर देंगे, meter² ईच काउ ग्रेस फील्ड टोटल एरिया अपन नंबर ऑफ काउ, 864 अपॉन 18, 48 meter². प्रत्येक का 48 meter² एरिया को ग्रेस करती है। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, एन अम्ब्रेला इज मेड बाई स्टिचिंग 10 ट्राइंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ टू डिफरेंट कलर्स, ईच पीसेस मेड इन 20 cm, 50 cm, 50 cm, हाउ मच क्लॉथ और ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। तो यू आर ऑल्सो नो द स्ट्रिप ऑफ द अम्ब्रेला लाइक टू बी ट्राइंगुलर फॉर्म। वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ वन स्ट्रिप हु डायमेंशन गिवेन 20 cm, 50 cm, 50 cm। विद दी ऑफ हीरन फार्मूला वी फाइंड द एरिया ऑफ वन स्ट्रिप, एरिया ऑफ वन ट्राइंगुलर स्ट्रिप। ए इज इक्वल टू 50 cm, बी इज इक्वल टू 50 cm, सी इज इक्वल टू 20 cm। सेम पैरामीटर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, 50 + 50 + 20 / 2, बी गेट 110
सी एम। नाउ एरिया ऑफ वन स्ट्रिप,